जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एक्सीटा कॉटन लिमिटेड कंपनी के बारे में। कॉटन बनाने वाली एक मशहूर स्टॉक है ये, और इसमें पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो ग्राउट देखने को मिल रहा है। तो इस ग्राउट के होने के पीछे की वजह को समझेंगे और यह भी समझेंगे कि इसमें फिर से तेजी कब बनेगी, ताकि जो लोग इसमें हाल फिलहाल के दिनों में यानी कि न्यूली इन्वेस्टर्स हैं इस कंपनी में, नए नए इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, उनको ज़्यादा डर सता रहा होगा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को लेकर, या जिनका पहले से भी इन्वेस्टमेंट है और यदि लॉस में है क्योंकि कुछ लोग टॉप पर बाई किए होंगे, तो उनके लिए भी एक चिंता की बात है और उस सारी चिंता को इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक्सीटा कॉटन्स में आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको डरने और घबराने वाली बात नहीं है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या भी जब हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे जब आप बहुत से लोग जो कुछ समय पहले खासकर बोनस के टाइम में इसमें इन्वेस्टमेंट किए हो तो उनको पता होगा अभी हाल ही में कॉर्पोरेट टैक्सेस हुआ था। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, दिसंबर के मंथ में पिछले साल इस स्टॉक ने बोनस दिया था 1:3 के रेशियो में। तो जब भी कोई स्टॉक में कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं तो उसके बाद भी थोड़ा सा स्टॉक में करेक्शन होता है, तो उसी को करेक्शन जब होता है इसका मतलब होता है कि प्राइस थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए नीचे आ रहा है, और एडजस्टमेंट बेसिकली होता है प्राइस का। तो इस वजह से भी देखेंगे तो प्राइस में थोड़ा सा भी डाउनफॉल देखने को आपको मिल रहा है। ये तो एक रीज़न हो गया, लेकिन मेन जो वजह है और उसको मैं चार्ट पर बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि प्राइस फिर से ये जो नीचे आ रहा है ये ऊपर कब जाएगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं एक्सीटा कॉटन्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम लोग कंपनी के काम फंडामेंटल को समझते हैं, फिर लास्ट में टेक्निकल को समझेंगे, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट करूंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले यदि हम लोग काम की बात करें तो ये जो कंपनी है आपको जिसमें बताया कि ये बेसिकली कॉटन बनाने वाली कंपनी है, कॉटन से संबंधित इसका काम धाम है। बेसिकली ये मैनुफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, इसका प्रोसेसिंग, फिनिशिंग सब चीज़ करती है कॉटन से संबंधित। और कॉटन का जो आजकल के समय में यूज है वो काफ़ी ज़्यादा यूज है, क्योंकि कॉटन आज के समय में आपको कपड़ा बनाने के, क्लॉथिंग के काम में आता है, ये साथ में मेडिकल स्टोर पर भी आप देखते हैं कॉटन का बहुत सारा काम होता है। हमारे घरों में जो बेडशीट होते हैं, जो गद्दा वगैरह होते हैं, उसमें भी कॉटन का यूज होता ही है। तो कॉटन एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है हमारे डेली लाइफ में देखें तो काम के बेसिस पे इसमें लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ठीक रहेगा। काम के बेसिस पे यदि हम समझें तो इसमें तेजी बने रहने के चांसेस रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का यदि आपका व्यू और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तब। अब दूसरी चीज़ हम लोग समझते हैं कंपनी के फंडामेंटल का, तो पेनी स्टॉक है जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं 550 करोड़ आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। पी ठीक है, पेनी स्टॉक के हिसाब से पी ठीक है, और शेयर प्राइस भी बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो यह भी बढ़िया चीज़ है। दूसरी बात देखेंगे इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो आरओसी है ज़बरदस्त है, तकरीबन 40% के आसपास कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने जो इस इक्विटी में जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया, जो कंपनी का आपने शेयर लिया है, जो इक्विटी आपके पास है, उस पर आपको साल भर में तकरीबन 40% रिटर्न निकाल कर देने का ये स्टॉक दमखम रखता है। और भी बाकी चीज़ें फंडामेंटल में समझेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पर, जहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बताऊंगा प्राइस के गिरने के पीछे की वजह और फिर उसमें तेजी आने के चांसेस। हम लोग एक साल के चार्ट पर आ गए हैं, आप समझिए एक साल के चार्ट पर आप समझेंगे तो पिछले साल के छोड़ दे तो इस साल भी जब इस लेवल के ऊपर प्राइस निकला था तकरीबन यहाँ पे देखेंगे 25 रुपये के ऊपर, तो 25 रुपये से ऊपर 30 रुपये के आसपास इस कंपनी का प्राइस गया था। कई बार 30 रुपये से ऊपर भी गया, तकरीबन 35 रुपये तक के आसपास जाते हुए दिखा। तो देखिए पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं होता है, जो भी मूवमेंट हुआ यहाँ पर कुछ लोगों ने कैप्चर करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कैप्चर किया भी, और जो लोग इस तेजी को देख के बाय किए थे वो अभी फंस गए हैं। तो अभी आपको चिंता करने वाले कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए फिर से स्टॉक अपने उसी रेंज में आ गया है 20 रुपये के लेवल जहाँ से स्टॉक चलना शुरू हुआ था, और इसी रेंज में स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो फिर से आपको घूमते हुए नजर आएगा, इसी में घूम रहा है। अब ध्यान देना है कि यदि प्राइस इसके नीचे आता है तब आप निकल जाइए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि इसके प्राइस नीचे आने पर आपको निकल जाना है, क्योंकि जब आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर देखेंगे, तो अभी हम लोग आ गए हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए लोअर सर्किट इसमें लग सकता है तकरीबन 17 रुपये 35 पैसा के करीब, यानी कि 17 रुपये 35 पैसा पर जब इससे स्टॉक का प्राइस आएगा 20 रुपये से नीचे तो इसमें लोअर सर्किट में आगे फंस सकता है। और आप जानते हैं कि जब कोई स्टॉक लोअर सर्किट में होता है तो उसको हम बेच नहीं पाते, यानी कि अभी आपके पास मौका है कि इस स्टॉक का प्राइस जो अभी इस रेंज में घूम रहा है आप चाहें तो यहाँ पे बेच के निकल सकते हैं, या इसके नीचे आएगा तो 17 रुपये से पहले आप इसको बेच के निकल दीजिएगा। हालांकि यदि इसके नीचे आएगा तो बहुत तेज गिरावट होगी, तो आपको मौका नहीं मिलेगा संभलने का, और ये स्टॉक में जल्दी 17 रुपये के लेवल तक ये पहुंच जाएगा और फिर इसमें लोअर सर्किट लग जाएगा। हालांकि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी ये कहता है कि इस रेंज से जब स्टॉक बाहर निकलेगा तो इसमें ब्रेकआउट होगा, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, न कि नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि 90 से 95% चांस होता है स्टॉक जब रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर ऊपर निकलता है, और फिर इजिली ये प्राइस आपको 35-40 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। तो आप इसमें अभी 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 तक आपके पास स्टॉक से तो आप इसमें बने रहिए, अभी बेचने की जरूरत नहीं। आप देखते रहिए इस रेंज में समय बिताने के बाद ये प्राइस किधर जाता है, नीचे जाएगा तो आउट हो जाना है, ऊपर जाएगा तो और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लीजिए, क्योंकि फिर ऊपर भी निकलेगा तो बहुत तेजी से प्राइस ऊपर जाएगा और इजीली आपको 35 से 40 रुपये का टारगेट शॉर्ट टर्म में आपको दे देगा। दूसरी चीज़ जब आप क्वार्टर्स के रिजल्ट देखते हैं कंपनी के, क्वार्टर्स के रिजल्ट से पता लगता है कंपनी का फंडामेंटल मजबूत रहेगी नहीं, तो आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आए। तो सेल्स देखिए, सेल्स में गिरावट देखने को मिला है यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और सेल्स नहीं जब आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा डिक्लाइन होते हुए दिखेगा। पिछले क्वार्टर में जहाँ
6.51 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, अभी कम होकर सिर्फ 3 करोड़ का आसपास रह गया। तो ये भी एक रीजन है स्टॉक प्राइस के नीचे जाने का। और जो दूसरा मैंने बताया कि कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, तो जिस वजह से स्टॉक प्राइस में थोड़ी सी करेक्शन हो रही है, तो करेक्शन होने की वजह भी एक इसमें वजह है प्राइस को नीचे जाने का। ओवरऑल यदि बात करें तो एक्सिटा कॉटन जो लिमिटेड है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेनिफिशियल साबित होगा। यदि आपका ओपिनियन लॉन्ग टर्म के लिए तो आप बने रहिए, आपको फिर लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगने से कोई मतलब नहीं होगा। और यदि शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो जो चार्ट पर मैंने लेवल दिए हैं उस लेवल का ध्यान रखें, उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई दूसरा सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।